दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग यह जानना चाहते हैं कि मैंने जो बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, मेरे बैंक अकाउंट में क्या मेरा आधार कार्ड लिंक है, या फिर आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड से कौन कौन सा बैंक लिंक है। मतलब आपको ये सारे जो कन्फ्यूजन्स होते होंगे और आपको ये जानने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा कि क्या मेरा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। लेकिन अगर अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका लिंक है, आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ आधार कार्ड में, तो घर बैठे खुद से पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन कौन सा बैंक लिंक है और आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बात हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़कर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद आया है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले टाइप करना है UIDAI की वेबसाइट, जहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगी। इसी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन आया है, इंग्लिश में आप चेक करना चाहते हैं, मतलब जो है इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप किसी में भी चेक कर सकते हैं, दोनों में ही सेम नियम होता है। देखिए यही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। माई आधार में आप लोग थर्ड नंबर पर आइएगा, आधार सर्विस के ऊपर में, और यहाँ पर देखिए चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब पे क्लिक नहीं करके आपको चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड से कौन कौन सा बैंक लिंक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है, अब ये देखिए सर्चिंग हो रहा है। सर्चिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है यहाँ पे। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि OTP जो प्राप्त होगा आपको तुरंत यहाँ पे डालना होगा। मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दे रहा है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। देखिए जो मेरे मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP फाइनली आ चुका है, और अब मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है और सबमिट पे क्लिक मैं कर दे रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। इसका मतलब ये होगा कि आपका आधार कार्ड से जो जो बैंक लिंक है उसका ये आधार सर्विस ने आपका फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखेगा, बैंक लिंक का स्टेटस दिखेगा, जी हाँ आपका एक्टिव है, और साथ ही साथ आपको यह दिख रहा है कि यह कब आपका बैंक आधार कार्ड जो है बैंक खाता से लिंक किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट 30 मई 2020 को जो मेरा बैंक है उसमें मेरा लिंक किया गया था, और आपका बैंक का नाम भी दिखेगा, PayTM पेमेंट बैंक। जी हाँ, तो थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।